फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? और आप सभी को रमज़ान मुबारक, और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्हें भी। और ये मैं सहरी के लिए खासकर बनाने जा रही हूँ। तो मैंने गोश्त को अच्छे से धो लिया है और इसमें ये मसाला मैं ऐड करने जा रही हूँ। ये मेरा गरम मसाला है, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, इन सभी को मिक्स कर देंगे और आप हाथ धो के यूज़ करें। मैंने हाथ धो लिया है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसे आधे घंटे के लिए रख देंगे। और इसमें ऐड करेंगे लहसुन और अदरक। तो लहसुन अदरक मैंने पीस लिया है, ये गया इसमें लहसुन अदरक, पूरा नहीं डालेंगे, बाकी का हम ग्रेवी के टाइम पर इस्तेमाल करेंगे, ग्रेवी जब हम बनाएंगे। जब अभी फ़िलहाल हमें इस तरीके से मिलाकर इसे रख देना है। तो तीन परी मैंने तेल डाला है, और ये सारे खड़े गरम मसाले हैं, काली मिर्च, ज़ीरा, स्टार फूल, जावित्री और लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता। अब हम इन सबको डाल देंगे तेल में। तो बघार हमारा हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे कांदा, हरी मिर्ची। कांदा ब्राउन होने वाला है, तो ब्राउन होने से पहले हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। जो हल्का कांदा ब्राउन हुआ था वो आलू के साथ ब्राउन हो जाएगा, इसके लिए मैंने पहले हल्का सा ब्राउन किया, उसके बाद आलू ऐड किया। अब ये आलू जब कांदे के साथ फ्राई होएगा तो ये खुद ब खुद ब्राउन हो जाएगा। तो देखें कांदा ब्राउन हो रहा है, अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर मैंने ऐड कर दिया है और मैंने पूरा कट नहीं किया है, आधा हाफ कट करके मैंने डाल दिया है। फ्लेम को हम स्लो कर देंगे और अब इसमें शामिल कर देंगे जो मैंने कांदा, अरे अदरक और लहसुन मैंने बचाया था, उसे हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें मैरिनेट किया हुआ गोश्त डाल देंगे और कुकर का ढक्कन बंद करके गोश्त गलने के लिए रख देंगे। कुकर मैंने बंद कर दिया है, अब जब गोश्त गल जाएगा तो गोश्त गल चुका है, अच्छे से टेंडर हो चुका है। और यहाँ मैंने एक पतीली में थोड़ा सा घी डाला है और थोड़ा सा अब मैं इसमें तेल मिक्स करूँगी। आप चाहें तो ना भी मिक्स करें तेल, घी डालें तो उससे क्या और टेस्ट बढ़ के ही आएगा, बट मैं डाल रही हूँ तेल भी। अब जब ये गर्म हो जाए तो इसमें मैं थोड़ा सा कांदा है वो मैं फ्राई कर लूँगी। कांदा ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें कसूरी मेथी डाल दें। कसूरी मेथी भी मैंने इसमें डाल दी है, अब इसे गोश्त में पलटी कर लेंगे। इस तरीके से गोश्त में पलटी कर लेना। सालन को मैंने इस पतीली में पलट लिया है और कोथमीर भी मैंने इसमें डाल लिया है। तो देख सकते हैं सालन रेडी हो चुका है और महक भी अच्छी आ रही है। और एक तरफ मैंने कोयला गर्म होने के लिए रख दिया है, उससे मैं कोयले का बघार दूंगी, इससे सालन का जो टेस्ट है वो डबल दुगना बढ़ जाएगा। इस तरीके से मैंने इसे प्याले में रख लिया है, अब मैं इसे पतीली के अंदर डाल देती हूँ। तो चलिए देखते हैं, खुशबू तो बड़ी ज़बरदस्त आ रही है और कलर भी देख सकते हैं आप सब कैसा आया है कलर सालन का। तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, और कमेंट ज़रूर करें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करें।
और ये डिश मैंने खासकर रमज़ान के लिए बनाई थी। तो चलें अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।